देखिए, लीडर को इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं होती, ना लीडर किसी के वोटों का मोहताज होता है, वो अपनी सोच से लीडर होता है। मरियम नवाज उस मरहले से कहीं आगे निकल चुकी है जब किसी को इलेक्शन लड़कर अपनी हैसियत मनवाना पड़ती है। तो लीडर सिर्फ लीडर होता है, और अगर वो जद्दोजहद करे इंसान किसी भी रास्ते में तो वो लीडरशिप ले सकता है। मेरे नजदीक मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो इमर्जिंग लीडर है। इक्तदार में आते हैं या नहीं ये अलग बात है, लेकिन मरियम नवाज ने जिस तरह अपने वालिद के मुश्किल वक्त में और उनके सियासी सफर में उनका साथ दिया, इससे उनकी न्यूसेंस वैल्यू बढ़ी है। दरताज बुल साहिबा का ख्याल ये कि मरियम का ज़हनी तवाज़ुन खराब है, तो मुझे ये पॉलिटिकल से ज्यादा जाती राय लगती है। इसमें गुस्सा और झंझलाहट दोनों नजर आते हैं, वरना एक खातून कम अज कम दूसरी खातून के बारे में इस किस्म की बात नहीं कर सकती जो जाती हो या किरदार से मुतल्लिक हो। खुद जरताज गुल साहिबा जिस दिन से बारिशों का क्रेडिट अपनी लीडरशिप को दे चुकी हैं, लोग वैसे ही उन्हें सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन चूंकि वो खान साहब की जबरदस्त फैन है और मरियम नवाज ने उनके लीडर को वजीर आजम नहीं माना, तो फिर उनकी जुबान का तवाजन तो बिगड़ेगा। और आखिरी बात यह कि नवाज शरीफ को जेल में छोड़ने के लिए मरियम नवाज जुलूस के साथ क्यों गई, तो ये पढ़ी लिखी बात है जो शायद जरताज बीवी को नहीं मालूम कि जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, और जेल सियासतदानों की शान होती है।